तो गाइस खोल देते हैं हम अपने कबूतर। ले जी चलो उधर बेटा जाओ, कबूतर वेट कर रहे हैं। अमन वगैरह आ जाता है तो थोड़ा सा सही रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाती है भाई, वरना तो खुद ही सब कुछ करो, बहुत दिक्कत होती है। आ बेटे आ जा भाई, वो मादिन आई नहीं। आ आ देखो, अरे वो अंदर कहाँ घुस रहे हो भाई, ऐसे परेशान करते हैं। देखो अभी अब बाहर आए, अब दोबारा अंदर चले गए। आ जा देखो भाई, सारा कबूतर अंदर हो गया बिल्कुल, ऐसे परेशान करते हैं अकेले बंदे को। आ आ आ आ आ आ आ बेटे आ जा भाई, इस माध्यम को देख के आते हैं। वो देखो एक उड़ गया है, इसको क्या परेशानी है, सही हुई तो ठीक है, देखते हैं भाई। यही माध्यम है भाई, बाजू में बुरी तरह लग गई थी इसके, अभी थोड़ा चला नहीं रही है सही से, दर्द वगैरह हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी से नीचे कर देते हैं फिलहाल। कोई आता है तो आपको दिखाता हूँ कैसे चोट लग गई इसके, पता नहीं कैसे भाई। इसके ना हल्का सा पहले घाव था, ऐसी बात नहीं है ये अचानक ही हो गई, पहले था इसके घाव हल्का था। तो भाई देखो, दिखाना गलत है यूट्यूब पे, लेकिन खून वगैरह तो अब है नहीं, घाव ये रहा, सूख गया भाई, देख लो। हल्दी तेल लगा दिया था हमने, अभी से नीचे छोड़ देते हैं अपने कबूतर फिलहाल 10 मिनट बाद, जब सबको दाना पानी देंगे, जब इस मादिन को भी ऊपर छोड़ देंगे। अभी से यहाँ छोड़ देते हैं अपने कबूतर, ये वाले बंद हैं। तो भाई अभी ना उड़ाना उड़ाना हम सोच रहे हैं बंद कर दें, क्योंकि उड़ तो अब सही से रहनी है इनके पर वरों के चक्कर में ना, तो ये टाइम वाइम ख़राब कर रहे हैं। बस इन्हें खुला छोड़ दो, घूम लो अपना छत पर इतनी देर घूमना हो, उसके बाद खिला पिला के ना बंद कर दो। क्योंकि भाई तुम्हें पता तो है यार, जब उड़ते नहीं है तो मज़ा नहीं आता, उड़ाने का मन नहीं करता। देखो तीन शेर कैसे बैठे हैं, तीनों लाइन से आराम से मज़े लेते रहते हैं, वो इन्हें डराते रहते हैं कबूतरों को। तो भाई अब हमने सोचा कि यार क्या उड़ाना उड़ाना करें इन कबूतरों को, अभी ऐसे छोड़ दो कुछ दिन, जब तक नीचे वाले कबूतर ऊपर आ जाएंगे, फिर उसके बाद इन्हें उड़ाना पुड़ाना करेंगे। क्योंकि जब तक परवर झाड़ वाड़ का अगस्त ख़त्म होने वाली है, सितंबर में ये सेट हो जाएंगे सारे, तभी भाई उड़ाएं। वो देखो दाने की तलाश में, वहाँ दाना रखा है, इन्हें पता भी चल गया। देखो खुद ही जा रहे हैं अपने आप भाई, हमने कुछ नहीं करा। ये आ गए तो बस अब यही है कि अपने आप ही ये मजे लेते रहेंगे, छत पर घूमते रहेंगे। उड़ाना नहीं है किसी कबूतर को, उड़ाने का मतलब है कि हम इन्हें उड़ाते हैं तो ये सोचते हैं कि अब तो इनका हमसे काम निकल रहा है, हम उड़ रहे हैं तो इन्हें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। इस चक्कर में साले उड़ते नहीं है भाई, तो इन्हें उड़ाना पुड़ाना कर देंगे बंद। अपने आप जिसको उड़ना है वो उड़े, जिसको नहीं उड़ना वो बिल्कुल ना उड़े। फिर उसके बाद सितंबर में ही हम करेंगे इनके साथ जो करेंगे, वरना अभी ना खान देते हैं, दाना पीना अपना मज़े लो। महीने भर की बात भी नहीं बची, अब 20-21 दिन की बात बची है, ये तो अब दिन बचे कितने हैं, 7-8-10 दिन ये बचे हैं, 10-15 दिन उधर ले लेंगे बस, उसके बाद उड़ना चालू हमारे। फिर इन्हें लगाएंगे खेल, फिर देखेंगे कौन आरामीपंथी करता है, कौन क्या करता है। अभी तो देखो सब मज़े ले रहे हैं अपने अपने, इधर से उधर इधर से उधर उड़ते भाई सारे हैं, लेकिन ये हो गए ढीठ, उड़ना पसंद नहीं करते, कहते हैं अरे चल कौन उड़ेगा, अपना टाइम काटो मज़े लो, बस ये सोचते हैं खा पी लो उसके बाद मज़े काटो, उड़ने की ज़रूरत पड़ती किसे, देखो ऐसे मज़े काटना चाहते हैं। देखो देख रहे हो भाई, बस ऐसे मज़े कटवा दो इनसे, अपनी मस्ती में जहाँ मर्जी बैठें जहाँ मर्जी उड़ें, इसमें खुश हैं। ये नहीं है थोड़ा बढ़िया तरह से कायदे से उड़ उड़ा के आए फिर अच्छा लगे, तो बस यही है भाई, शौक वगैरह करो कबूतरों का, ये हमारा सबसे फेवरेट लगता है इन उड़ने वालों में। वैसे तो भाई बहुत कबूतर हैं इनमें पसंद करने लायक, लेकिन एक होता है ना कि जो लगता ही अच्छा है, उसमें से ये लगता है उड़ने में भाई मुझे, ये कबूतर और एक अपना वो दुबाज कबूतर, यही दो कबूतर डेंजर लगते हैं, उसके बाद सब तो ऐसे ही लगते हैं बस काम चलाने वाले।
अब इनका उड़ने का मन है भाई, ये सोच रहे हैं उड़ा दे, लेकिन मैं क्यों उड़ान लगा, खुद उड़ो तो ठीक है वरना छोड़ो तो। भाई यार हमारी वो मादिन के पता नहीं कैसे चोट लग गई, समझ में ही नहीं आ रहा। अगर आपको कोई दवाई वगैरह पता हो तो बताना, वरना हमें तो पता है जो भी थोड़ी बहुत, तो हम वो कर लेंगे। उसके बाद अगर आप भाइयों में से किसी को पता हो दवाई गोली यहाँ बढ़िया कौन सी होती है, तो भाई कमेंट करके वीडियो में बता देना यार, ताकि दवाई वाई दे देंगे। अचानक ही उसके लग गई भाई, हमें तो पता ही नहीं लगा कब लग गई अचानक ही। यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत ये खून वान सा हो गया था बस। दिक्कत ये है, हम आपको कल ही दिखा देते भाई, लेकिन यूट्यूब पे ना ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। देखो भाई सब कहाँ मज़े ले रहे हैं, ऐसे मज़े लेने दो ना बस, जहाँ मर्जी घूमन दो, उड़वाओ मत इन्हें, उड़ाओगे तोड़ेंगे नहीं, ये कहानी है इनकी भाई। तो ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अब उड़ाना उड़ाना फ़िलहाल तो कम कर रखा है, लेकिन एक दो दिन और इन्हें रेस्ट देने का, एक दो दिन बाद थोड़ा थोड़ा उड़ाई करेंगे। आज कोई है नहीं, लेकिन चलो अब लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर कबूतर उठे नहीं हल्का फुल्का भी, तो एक साहब आप खुद उठा देते हैं, फिर उसके बाद वीडियो का एंड कर देंगे। देखो भाई उड़ने पे आ जाते हैं तो खूब उड़ते हैं, बढ़िया तरह से उड़ते हैं, लेकिन पसंद नहीं करते, कहते हैं यार कौन उड़ेगा जब हराम की खाने मिल रही है, सरकार दे रही है कमाने को, तो हम क्यों जाएं खाने को काम करने को। भाई ये हिसाब है इनका, देख रहे हो ये नया वाला कबूतर भी हमारा उड़ रहा है, वाइट कबूतर उड़ रहा है, लेकिन अब उड़ाना बंद ही कर देंगे ना, अपनी मर्जी से उड़ो। ये पीला वाला नया थोड़ा बहुत उड़ने लग गया है, दो पीले नए वालों में से भी बिल्कुल नहीं उड़ रहे हैं। देखो भाई यहाँ हो गई बड़कम, दाना खिलाओ ना बस आराम का, ऐसा तो नहीं हो सकता। आ बेटे आओ आ जा, हम भाई इतने में इधर लग गई, ये घुस गई, शेर लग जाती है ना थोड़ी बहुत, ये ठस में कूद गई, आ खा लो। तो गाइस ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी ना कुछ ज़्यादा खास उड़ाना उड़ाना नहीं करेंगे आज से, हमने सोच लिया हल्का फुल्का अपनी मर्जी से उड़े इतना ठीक है, बस इस महीने की बात है, फिर अगले महीने से खुला उड़ाएंगे खूब, ये उड़ेगा भी हम उड़ाएंगे भी, और इसके बाद कुछ कबूतर इनमें बढ़ जाएगा तो फिर मज़ा भी आएगा भाई। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, ठीक है बाय। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भाई, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके, ठीक है भाई बाय।